लास्ट टाइम जलेबी बनाई थी तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया, लेकिन मैंने सोचा वो बिगनर्स क्लास से ना मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ चली जाऊँ, तो मैं आज बनाने वाली हूँ खाना फॉर यू गाइस। मेरे कपड़ों पे मत जाइएगा, ये मत समझिएगा कि जितने मैंने अच्छे सुगर कपड़े पहने उतने मैं कोई सुगर की चीज़ बनाने वाली हूँ। एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड is going to help me make Singaporean rice today and it's her recipe, it's her dish, it's her idea, mehnat is also going to be hers. Main sirf na chamach ghusaungi beech mein kyunki phir jo haath dalte hai taste to usi ka hota hai na yaar, kyun Iman? Ji ji, to aaiye dekhte hain ki kya ho raha hai, kaise ban raha hai, pehle zara. कैप्सिकम है, कैरेट्स हैं एंड क्या है, गोभी का फूल, राइट हियर गाइस। इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपको बताती चलूँ। चावल, ईमान ये कितने चावल हैं? दो ग्लास चावल है, ये उबाल दिए हैं, राइट, ये उबाल दिए हैं। ये नूडल्स हैं, नूडल्स भी उबाल दी गई हैं। ये कितने ग्लास हैं? दो पैकेट नूडल्स है, ग्लास नहीं है। ओह वेट, सबसे मेन चीज़ तो मैंने मिस ही कर दी, वो ये जूस बिल्कुल भी नहीं है, वो है गोश्त। ये हम लोगों को स्पॉन्सर किया है स्कूबी ने। हम लोगों ने काट दिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में आप काट दें। ये लहसुन कट रहा है, वैसे अगर आप लोगों के पास पेस्ट हो तो आप लोग पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। पेस्ट ही बनेगी। अच्छा, इसकी पेस्ट बन जाएगी, बट वो बनी बनाई भी आ जाती है ना। ओके, नाउ लेट मी फाइंड अ प्लेस टू फिट माय कैमरा। कोशिश मैं पूरी करूंगी कि हम भी कवर हो जाएं और खाने बनाने का प्रोसीजर भी। पीछे आंटी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आज हम आपको ऐसा कमाल करके दिखाएंगे कि आप धमाल मचाएंगे उसके बाद। जी आंटी को हम पे यकीन नहीं है, क्या आपको हम पे यकीन है? मुझे तो खुद पे बहुत यकीन है क्योंकि मैं बनाई नहीं रही। तो हमारे क्या कहते हैं, हमारी रेसिपी के बीच में अपनी चाय बनाने आ गए हैं जै। हमारा है ना अभी किचन, हमने रेंट दिया हुआ है इसका, दो घंटे के लिए हमारा काम सारा उन्होंने किया था। भाई अल्लाह बेचारे देखे हमारे लिए पीस रहे हैं अदरक और लहसुन, बेचारा अदरक और लहसुन पिस रहा है, अब तो छुरी से कट भी रहा है। कितना फील नहीं है? बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, द बैकग्राउंड म्यूजिक, ये अदरक और लहसुन, अगर आप लोग पीसते हुए बोर हो रहे हो तो आप लोग ये म्यूजिक सुने और खुद को एंटरटेन करें। वेरी गुड। इसको आप 200 साल तक सिर्फ बटर को ही फ्राई करती रही? नहीं, क्योंकि लहसुन अदरक होगा तो बनाऊंगी ना। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, आग नहीं जल रही। हमारी थोड़ी सी जो है इख्तलाफात हो गए थे पोनी के ऊपर, क्योंकि उसने मेरी पोनी ले ली है। ओहो, ये देखिए अब मुझसे उसका केचप। ओके, सीन ये है कि अब हमने अदरक लहसुन जो पीसा था वो डाल दिया है बटर के अंदर। अब इसको कितनी देर तक ईमान मज़ीद रखना है बटर के अंदर अदरक और लहसुन को? 3 मिनट्स के लिए बस फ्राई करेंगे। 3 मिनट्स। स्टाइलिस्ट ईमान, oh wow, this is my look for making Singaporean rice for you guys. Rice is it na? Humne chicken dal diye. Oh wait, mere bagair kuch ho gaya. Koi ye maan, isme chicken dal diye. Chicken dal diye, chicken se pehle humne butter dala tha, butter ke baad humne garlic aur wo dala tha, kya kehte hain usse, kya kehte hain, kya garlic ke baad chicken dale? Nahi, garlic ke sath to sabhi dala tha na, lehsun adrak se bhi hota hai. Okay, ठीक है। और अब हम इसको कितनी देर तक रखेंगे? अब ये जब तक फुली कुक होएंगे तभी होगा ना। ठीक है, तो मतलब जब वो थोड़े ब्राउन ब्राउन गोल्डन गोल्डन हो जाए तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। मीन वाइल हमने राइस बॉईल कर लिए हैं और नूडल्स भी बॉईल कर लिए हैं। आलू कहाँ है बताएं आप मुझे? आलू भी तो थे हम डालते हैं इसके अंदर। इमरान भाई फारूक भाई, Where are them aloos? Yeah, aloos. Aloos. तो ईमान भूल गई कि इसके अंदर एक और चीज डलती है और वो
अमूमन एक नहीं होती, वो तादाद में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास घर में सिर्फ एक ही था, वो है आलू। आलू भी डलता है इसके अंदर, हम आलू बॉईल कर रहे हैं। हमारे पास असल में ना ये लोग चाहते नहीं हैं कि मैं खुद कुछ करूँ, और मैं खुद कुछ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे ना आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी और यहाँ पर कोई और कैमरा नहीं पकड़ सकता। अब मैंने कोशिश करके ना सेटलमेंट कर ली है कैमरे की, लेकिन अभी भी दिन कसम से मैंने पकड़ा अब हम लोग सॉस बना रहे हैं। सॉस के अंदर हमने क्या क्या डाला है मान? केचप। एक बोल आपको चाहिए, बोल के अंदर आप केचप डालें, हॉट सॉस डालें और केचप आपने 3 चम्मच डालनी है, हॉट सॉस आपने 1 चम्मच डालनी है, सॉल्ट डालना है, पेपर डालना है और मेयोनीज डालना है। बस बहुत ज़्यादा स्पीड थी, आप लोग रिवाइंड करके वापस सुन लीजिएगा। अच्छा अब हम लोग सॉस बना रहे हैं, सॉस के अंदर हमने क्या क्या डाला है मान? केचप। एक बोल आपको चाहिए, बोल के अंदर आप केचप डालें, हॉट सॉस डालें और केचप आपने 3 चम्मच डालनी है, हॉट सॉस आपने 1 चम्मच डालनी है, सॉल्ट डालना है, पेपर डालना है और मेयोनीज डालना है। बस ये मुझ पर कातिलाना हमला हुआ था अभी यहाँ पे, देख लिया बहन को, ये इन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया, मुझे किचन में जला देगा। आलू को फिर आप लोगों ने बॉईल करने के बाद ना इस तरह से काटना है फ्रेंच फ्राइज की तरह, ओके? और इस सारा सारा सारे सामान का बाद में आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओके मान, तो हम लोग इसमें क्या क्या डाल चुके हैं अभी तक? उसके बाद हमने इसके अंदर हॉट सॉस डाली है और थोड़ी सी चिली सॉस डाली है बस। ठीक है, हॉट सॉस और चिली सॉस डाल दिए और अभी तक ये असल में ऐसे नहीं बनता है पर मुझे ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे बनाती हूं। हां, दिस इज इमान्स ओन रेसिपी गाइस। व्हाइल आई वाज सिटिंग हियर लाइक अ मासी एंड लाइक योर सर्वेंट, व्हाइल आई वाज सिटिंग हियर लाइक एन अनइनवाइटेड गेस्ट, आपने क्या डाल दिया उसके अंदर? चिली पाउडर। चिली पाउडर कितना डाला है आपने? 1 चम्मच। 1 चम्मच चिली पाउडर भी डाला। बारी आ गई मेरी, अब क्या डल रहा है? केचप डल रही है इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर केचप डल रही है मान, तो फिर ये क्या बनाया है? ये अलग से पेस्ट है, ये इसके ऊपर डालते हैं। अच्छा, ये एंड पे डालेगा। ओके, तो आप लोगों ने इसके बीच में भी केचप डालनी है आई थिंक, अंदाजे से डालना है और ये साथ साथ फ्राइज बनने के लिए रख दें। एक कप डालनी होती है वैसे, बट मैंने आई थिंक जितना ज़्यादा आलू होंगे उतना मजे के लगेगा, लेकिन हमारे पास एक ही आलू। ओह, दिस ऑलरेडी लुक्स सो गुड मॉम। गो गर्ल, नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस। उदय भाई जरा प्लीज ये कैमरा वहाँ तक लेके जाके दिखाइए कि मैडम ने क्या इस वक्त बनाया है। ये इमान हैज द कैमरा नाउ गाइस। ये क्या किया मैम आपने? ये क्या है उदय को? बोलेगी नहीं, बताओ। फाइनल टचेस हैं अब, वो बन चुका है। हमने वेजिटेबल्स आप लोगों के सामने जो हैं वो फ्राई होने के लिए रख दी, एंड थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा। आलू हमने साइड से बना लिए हैं, पेस्ट जो है वो एंड पे डलेगा इन सब के ऊपर जब लेयरिंग होगी। तो ये रहे फ्राई प्रोसीजर, सब कुछ मिक्स हो रहा है बड़े से बर्तन में। ये सबसे पहले आई हमारी वेजिटेबल्स, उसके बाद उसका चिकन होगा ना मान? नहीं, ओके, टॉपिंग होगी, लेयरिंग होती है। अच्छा, टॉपिंग होती है, लेयरिंग होती है। दे दो ये, अच्छा जी। फिर हमने डाली नूडल्स, पानी से क्यों नहीं घुसा दी ज़ेर भाई? अरे मुझे आगे गर्मी लग रही है, ऊपर से जो तुम हो ना आज कल की लड़कियों के जो नखरे होते हैं ना किचन में। चुप करो, तुम खड़ी भी क्या कर रही हो? मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम वीडियो पकड़ लो, कैमरा पकड़ लो, मैं अभी बना के दिखाती हूँ तुम्हें। चलो, वेरी गुड। ओके गाइस, सो आई एम इन एक्शन नाउ। अब आप लोग देखिएगा कि कैसे दो मिनट में काम होता है। अरे जल्दी जल्दी, जब इज्जत का सवाल है जल्दी आए, पैसे लगे हुए हैं उस जरा छोड़ दे। ये बात है ना, ये हो नहीं सकता ना, तुम्हें डंडा पकड़ना आ रहा है। मुझे सब पकड़ना आता है, ये देखें, मैं आपको से मैं देख रही थी कि आपको आता है कि नहीं, मैं टेस्ट कर रही थी कि आप मुझे करेक्ट करती हैं कि नहीं। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ।
क्या रॉकेट साइंस है, लेयरिंग होनी है, हिला मैं हिला रही हूँ, मुझे बता भी नहीं रही कि हिलाना नहीं है, लेयरिंग बचाती है मेरा काम। चलो उदय भाई चलो आ जाओ। फ्राइज जो है वो रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। आपने अपनी डिश के अंदर सबसे पहले एक जो फर्स्ट लेयर है वो राइस की डालनी है, सेकेंड नूडल्स की, थर्ड जो है वो चिकन की, देन यू हैव टू पुट दीज फ्राइज। और चिकन के बाद ये सॉस, राइट? ये सॉस पीना, ये सॉस पीना, हाँ ये आती है। ओके इंडियन इसके ऊपर सॉस डालो ज़्यादा ला के बोली। Still touch up guys. सॉस डल रही है और ये हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हो गए, ऑल थैंक्स टू